Hi everyone, my name is Anjali. Welcome or welcome back to my YouTube channel. So in this video, I'm going to talk about chrysanthemum. हम chrysanthemum को हिंदी में गुलदाउदी कहते हैं. इसकी बहुत सारे varieties आते हैं. जो सबसे खूबसूरत variety होती है वो है Japanese chrysanthemum. And अभी जो है यहाँ पर मेरी जगह पे बारिश होनी शुरू हो गई है, तो इसीलिए मैंने इसकी जो कटिंग है वो शुरू कर दी. तो अभी जून का महीना है, तो मैं इसकी कटिंग जल्दी जितनी करूँगी उतनी जल्दी फूल भी आएंगे. तो जब इसके फूल आएंगे, बहुत ही ज़्यादा सुंदर फूल होते हैं, मैं आपको ज़रूर अपना अपडेट दूंगी, गार्डन अपडेट. सो ये जो है ये मैंने कटिंग करके लगाए हैं, तो इसका जो मदर प्लांट है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ. ये देखिए, दिस आर दी मदर प्लांट्स जिसे मैंने कटिंग करके बेबी प्लांट्स बनाए हैं. तो कटिंग करने का एक फ़ायदा ये भी है कि जो मदर प्लांट है उसकी तो प्रूनिंग हो ही जाती है, ब्रांचेस बहुत सुंदर सुंदर आते हैं और आपको बेबी प्लांट भी मिलते हैं. ये देखिए, ये है मदर प्लांट और इसके जो बेबी प्लांट्स है वो यहाँ पर है. देखिए, आप जब भी कटिंग करें तो इसको डायरेक्ट रेन वाटर में ना रखें, इसको जो है शेड पे रखें कुछ इस तरह से. एंड देखिए, कोई पॉलीथिन बैग में तो कोई डब्बे पर भी मैंने लगाए हैं, क्योंकि मेरे पास पॉट की थोड़ी कमी हो गई थी इसीलिए. ये देखिए, शेड पे रखा है इसीलिए इसके जो पत्ते हैं वो बिल्कुल भी नहीं मुरझाए हैं, नहीं तो बारिश की वजह से काफ़ी पत्ते ख़राब हो जाते हैं. ये देखिए, ये भी मैंने आज ही की थी कटिंग. एंड आपको और एक दिखाती हूँ. देखिए, ये मैंने काफ़ी दिन पहले की थी, तो थोड़ी बड़ी हो चुकी है कटिंग. ये देखिए, एक मिर्ची का पौधा भी है. एंड देखिए, आप जब कटिंग करके आप उसको गमले पे चढ़ाई करते हैं, तो उसके बाद जब उसके रूट्स आ जाते हैं तो कुछ इस तरह से दूसरे पॉट पे आपको ट्रांसफ़र करना है. या तो पॉट भी यूज़ कर सकते हैं. इफ़ यू डोंट हैव पॉट देन यू कैन यूज़ दिस काइंड ऑफ प्लास्टिक बैग्स. दीज आर वेरी अफोर्डेबल. जैसे आप कोई नए प्लांट खरीद के लाते हैं तो आप उसके जो प्लास्टिक है वो ध्यान से निकालिए और फेंकिएगा मत, क्योंकि अगर आप नहीं फेंकेंगे उन प्लास्टिकों को तो कुछ इस तरह से आप रीयूज़ भी कर सकते हैं. देखिए कितने अच्छे से इसके जो लीव्स हैं वो ग्रीन है और आ भी चुके हैं. इसको भी मैंने शीट के अंडर पर रखा है. और जो मैंने इसकी जो मिट्टी ली है वो है नॉर्मल रिवर सैंड, या फिर आप नॉर्मल कोई भी गार्डन सॉइल भी यूज़ कर सकते हैं. लेकिन मैंने इसको कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया है, क्योंकि अभी ये सही टाइम नहीं है फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए. तो अभी थोड़े दिन बाद जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तभी हम लोगों को फर्टिलाइज़र ऐड करना है. तब तक के लिए इसको कुछ इस तरह से छोड़ देना है शीट पे. लेकिन हल्की हल्की बारिश की बूंदें तो लग ही जाती है, आप कितना भी ट्राई करो. बट आप ये ध्यान में रखो कि जितना हो सके आप बारिश की पानी से थोड़ा दूर रखिए प्लांट्स को, ताकि अच्छे से ग्रो हो सके. एंड ये देखिए, अनदर इसको भी मैंने कटिंग की थी बट ये थोड़ी बड़ी हो चुकी है. कुछ इस तरह से कटिंग करनी है. दीज आर दी ब्लैक प्लास्टिक बैग्स. एंड मैं आपको और भी जगह दिखाऊंगी जहाँ पर मैंने लगाई. ये देखिए, एक छोटा सा पैसेज था तो मैंने इस पर भी लगा दिया है गुलदाउदी. अगर जब ये बड़े हो जाएंगे, जब खिलेंगे तो इतने सुंदर लगेंगे ना, आप बिलीव नहीं करोगे कि आप यही जगह देखे थे पहले. ये देखिए, ये सब बेबी प्लांट्स है और इसके जो मदर प्लांट्स है ये हुए हैं. ये बारिश से थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, क्योंकि इसको मैंने डायरेक्ट रेन वाटर के में रखा था इसीलिए, तो ये थोड़े ख़राब हो गए हैं. लेकिन अभी छोटे छोटे लीव्स तो आ ही रहे हैं, तो आई होप सो. थैंक यू गाइज़.